का प्रयास करें। अगला प्रश्न अशोक लाव जी। प्रश्न नंबर 529। अध्यक्ष जी खंड एक। जी हाँ, विगत 3 वर्षों में पर्यटन विकास कोष में उपलब्ध राशि में से जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ का वर्षवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2। It's 7:20 already. The kickoff's in 5 minutes. When are you back? 11:30. Super. Get all the boys. We have the entire place. एडवर्टाइजमेंट पे और इस पर रखा है आपने ये मीडिया फिल्म बनाने में इन सब में, ये एक बार आप सदन को बताएं। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020-21 में पर्यटन विकास कोष में गठन हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया और अब 22-23 में इसको बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया। पर्यटन विकास कोष में से 600 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों के सर्किट के संबंधित आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा, जैसे 600 करोड़ रुपए, तथा 400 करोड़ रुपए प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने, जिसमें मीडिया प्लान इन्वेस्टमेंट आदि पर खर्च किया जाएगा। इस कोष का संगारण राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से 200 करोड़ का ऋण प्राप्त हो रहा है। माह अप्रैल 2022 में 100 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए। उक्त पर्यटन विकास कोष में से राशि 600 करोड़ के आधारभूत पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे। राज्य बजट घोषणाएं एवं अन्य आधारभूत पर्यटन विकास कार्य मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रश्न भी इतना लंबा पूछा। मेन जो खर्चा नहीं होने के पीछे कारण रहा कि सबसे ज़्यादा यदि इफेक्ट हुआ था प्रदेश के अंदर कोरोना की वजह से टूरिज्म डिपार्टमेंट हुआ था, इस वजह से 20-21 में 0 खर्चा रहा, 21-22 फिर कोरोना उसमें रहा, उसमें 26 करोड़ रुपए की हमने स्वीकृति जारी करी थी और खर्चा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 3.44 करोड़ हुआ। फिर उसके बाद में फिर हमने 1000 करोड़ की घोषणा करी थी ना, उसमें हमने स्वीकृति हमने जरूर 268 करोड़ की टोटल जारी कर दिए। अब धीरे धीरे काम ने गति पकड़ी है और आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप जानते हो टाइम तो लगता ही है। पर्यटन विकास कार्य की क्रियान्वित हेतु क्रियानुसार प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने, प्रशासन के वित्तीय स्वीकृति जारी करने, कार्यकारी एजेंसी को राशि हस्तांतरित करने, निद्रा प्रक्रिया पूर्ण करने, फंड को कार्य आदेश देने, इन सब कामों में टाइम लगता है, इसलिए आने वाले टाइम में उसको तेजी से। अध्यक्ष जी, केवल 1.5% पैसा खर्च किया। बोला माने मंजदस जी, अध्यक्ष जी केवल 1.5% पैसा खर्च किया है, 4 साल पूरे होने आए हैं और 268 करोड़ का 1.5%। आप एडमिट करें उसके लिए धन्यवाद। पूरे 1000 करोड़ में से कब खर्च करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा जिस बात को दोहराता हूँ सदन में, हम घोषणाएं करते हैं लेकिन जमीन पर नहीं लाते। आज उसका पूरा प्रमाण इसमें आ गया कि आपने 268 करोड़ रुपया दिया लगभग 26,000 प्रोजेक्ट के ऊपर और उसमें से खर्च किया है केवल आपने 4,24,00,000 रुपया। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल ताली बजाने के लिए। दूसरा सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष जी आप देखें स्वयं, इन्होंने लिखा है कि हम इसमें व्यय भी दिखाते हैं। इन्होंने बड़ी होशियारी से
ये जो लास्ट पेज जोड़ा है ना आपने ब का, उसमें आपने स्वीकृत प्रोजेक्ट तो दे रखे हैं 10,000 22-23 में, और व्यय हेतु उपलब्ध राशि भी दे रखी है, और बहुत होशियारी से व्यय कितना किया यह इसमें नहीं बताया, मतलब इसको छुपाने का प्रयास किया। ये इनकी गनीमत है कि इन्होंने लास्ट पेज पर इसको समाहित करके दे दिया। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि जब आपके पास पैसा उपलब्ध है, अभी आपने तो 1,000 करोड़ का बता दिया पर्यटन विकास निगम के पास, अभी हम 1,000 का नहीं पूछ रहे हैं, जो 268 करोड़ रुपये का ये प्रश्न लगा है उसमें से केवल आप 4,24,00,000 मार्क कर सके हो, और कई ऐसे प्रोजेक्ट तेजाजी वाले में आपने पैसा दे रखा है लेकिन आपने उसकी ABCD भी शुरू नहीं की। तो एक तरह से ये विभाग चल रहा है या केवल और केवल इस प्रश्न के माध्यम से इस सरकार की वर्किंग को दिखा दिया, इतने बजट होते हुए भी, पैसा उपलब्ध होते हुए भी खर्चा 3% और 4% से आगे नहीं बढ़ा 4 साल में, ये है आपका नक्शा। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा यदि कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ तो टूरिज्म भी हुआ था, और ऐसे कई ऐसे कारण थे, ये प्रक्रिया थी, नया नया घोषणा करी गई थी, ये सारी प्रक्रियाओं में टाइम लगा, अब आने वाला टाइम तेजी से खर्चा कर देंगे। अगला प्रश्न श्री सुरेश ठाक। सुरेश ठाक अगला प्रश्न। अगला प्रश्न धर्मेंद्र कुमार। प्रश्न संख्या 531। अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा में अधिसूचना दिनांक 14/10/1988 में तहसील रावसर के 45 बंगा के 97 राजस्व ग्राम चकों के 530 खसर नंबर और पत्थर नंबर का रकबा विशेष आवंटन सूची में अधिसूचित किया गया है। विशेष आवंटन के संबंध में नोटिफिकेशन मुरबा खसर नंबर चक अनुसार किया जाता है, काशकारों का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है। खंड 2। जी हाँ, विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित रकबा भूमि को किसी प्रभावित काशकार आवेदक द्वारा अन्य प्रकार से आवंटन अधिकार खातेदारी